हेलो गाइस, सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट पीपीआर वर्सेस एसएससी। तो पीपीआर का मतलब है पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू, एंड एसएससी का मतलब है सेपरेट या फिर स्पेशल सप्लीमेंट्री एग्जाम। तो इस दोनों में आप लोगों को कौन सा करवाना चाहिए, कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, और अगर आप लोगों को इस दोनों के बारे में पता नहीं है तो मैंने ऑलरेडी एसएससी के ऊपर फुल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बना दिया है। एंड पीपीआर करने से पहले आप लोग एक बार मेरा पीपीआर वाला वीडियो देख लेना, जिससे मैंने बताया था कि किन किन स्टूडेंट्स को पीपीआर करना चाहिए एंड किन किन स्टूडेंट्स को पीपीआर करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका एडवांटेज भी है एंड इसका डिसएडवांटेज भी है। तो जाके प्लीज आप लोग ये दोनों वीडियो पहले देख लेना, ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को देखो। एंड अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि इस दोनों में से आप लोगों को कौन सा करवाना चाहिए, सबसे बेस्ट होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पीपीआर का जो आप लोगों का डेट रहेगा वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2023 होगा, ठीक है, और एसएससी का भी आप लोगों का डेट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2023 होगा, ठीक है, ये पता चल गया डेट। उसके बाद अगर आप लोगों का पेपर में एफ शो कर रहे यानी बैकलॉग आ गया है, तो उस केस में आंख बंद करके जस्ट आप लोग 100% पीपीआर के लिए जाओगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये क्वेश्चन कर रहा था कि मेरा तो बैकलॉग आ गया है तो पीपीआर के बाद क्या बैकलॉग हट सकता है, तो इसका चांसेस 50-50% है। तो मैकआउट में बहुत सारे स्टूडेंट कॉल किया था, मैकआउट विजिट भी किया था एंड ऐसा बोला कि मेरा पेपर तो अच्छा गया है फिर भी मुझे एफ क्यू मिला, यानी बैकलॉग क्यों आया। तो मैकआउट से ये साफ साफ बोला गया है कि आप लोग पीपीआर के लिए अप्लाई कीजिए, उसमें हो सकता है आप लोगों का बैकलॉग हट जाए। सो 200 rupees पर सब्जेक्ट आप लोगों को पेमेंट करना होगा, देन पीपीआर रिव्यू करना, देन उसके बाद मे बी आप लोगों 50-50% चांसेस है कि आप लोगों का बैकलॉग हट जाए। ऐसा नहीं सभी का हट जाएगा, जिसका पेपर अच्छा गया था उन लोगों का ही हटेगा, ठीक है। एप से आप लोगों को बी डी सी भी मिल सकता है, यानी ओवरऑल आप लोगों का बैकलॉग हट जाएगा। तो कौन कौन एलिजिबल है पीपीआर के लिए, तो ऑल सेमिस्टर, जितने भी सेमिस्टर का स्टूडेंट है सभी लोग एलिजिबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो जब आप लोगों का पीपीआर फॉर्म फिलअप कर दोगे उसके 1-2 weeks बाद आप लोगों का रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है। अभी आते, ये तो ऑल सेमिस्टर का हो गया, बट जिन लोग अभी फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो इसमें देखो, इसमें एसएससी का एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम होता है सेपरेट या फिर स्पेशल सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, जिनमें लास्ट ईयर फर्स्ट एंड सेकेंड सेम स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। लास्ट ईयर फर्स्ट एंड सेकेंड सेम स्टूडेंट, यानी अगर बीटेक का पकड़ते हो तो 7th sem एंड 8th sem का होता है, ठीक है, और अगर 3 years का यूजी कोर्स देखते हो तो उसके साथ 5th sem और 6th sem का होता है, यानी लास्ट ईयर फर्स्ट एंड सेकेंड सेम का ये एसएससी का एग्जाम होता है। सो लास्ट ईयर स्टूडेंट को ये दिक्कत होता है कि ये दोनों में ही पार्टिसिपेट कर सकता है, बट एक कंडीशन है कि दोनों में आप लोगों को एक चूज करना पड़ेगा, चाहे आप पीपीआर के लिए अप्लाई करो चाहे आप एसएससी के लिए अप्लाई करो, दोनों में से आप लोगों को एक चूज करना पड़ेगा, ये कंडीशन है। तो ऐसे में क्वेश्चन आ रहा है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एसएससी के लिए या फिर पीपीआर के लिए कौन से में बैठे, तो उसका हम लोग पूरा क्लियर कर देते हैं आप लोगों को। तो देखो, अगर आप लोग एसएस में बैठते हो तो आप लोगों को 99.9% चांस है आप लोगों का बैकलॉग जो है वो हट जाएगा, 100% हट जाएगा। इसका रिजल्ट, पीपीआर का रिजल्ट एंड एसएससी का रिजल्ट एक साथ ही निकलेगा, 1-2 दिन का फर्क हो सकता है, पीपीआर का चाहे आगे निकल जाए या फिर एसएससी का आगे निकल जाए, 1-2 दिन का फर्क हो सकता है, बट ये आप लोगों का सेम टाइम में ही रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है, रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप लोग एसएससी चूज करते हो 99.9% चांस आप लोग बैकलॉग हट जाए, अगर आप लोग एसएससी चूज करते हो तो उस केस में आप लोगों का बैकलॉग का टैग आप लोगों को मिल जाएगा। सप्लीमेंट्री एग्जाम का मतलब क्या है, आप लोग बैकलॉग का ही एग्जाम दिए, ठीक है, बट पीपीआर में ऐसा नहीं होगा। पीपीआर में आप लोगों को पेपर फिर से रिव्यू किया जाएगा, रिव्यू करने के बाद अगर आप लोगों का नंबर बढ़ जाता है तो उस केस में आप लोगों का बैकलॉग हट जाएगा, तो इसमें आप लोगों का बैकलॉग का टैग नहीं मिलेगा। तो बाद में ये आप लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है आपके प्लेसमेंट के टाइम, तो आप लोगों का बैकलॉग मिल गया था क्लियर नहीं हो पाया, और अगर आप लोगों का बैकलॉग का रिजल्ट आने में अगर लेट हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम होगा, आप लोग इधर देखो 99.9% चांस, तो ऐसे में अगर आप लोग पीपीआर के लिए फाइल कर देते हो तो उससे 50-50% चांस है, यानी आप लोगों का बैकलॉग नहीं भी हट सकता है, ओके। और अगर बैकलॉग नहीं हटता है देन आप लोग क्या करोगे, देन आप लोग
हायर स्टडीज में एडमिशन भी नहीं ले पाओगे या फिर प्लेसमेंट में बैठ भी नहीं पाओगे। यानी अगर आप लोग किसी कंपनी में जाते हो और कंपनी वाला अगर आप लोगों का रिजल्ट मांगता है तो आप लोग दिखा नहीं पाओगे, तो उसके वजह से प्रॉब्लम होगा। अगर आप लोग 50-50% चांसेस लेते हो तो देन यू कैन गो फॉर PPR, ठीक है। बट अगर आप लोग 100% चांसेस लेना चाहते हो तो SSC में बैठ जाओ, क्लियर हो जाएगा, एक साल आप लोगों का बच जाएगा। और अगर बाई चांस PPR में आप लोगों का क्लियर नहीं हो पाया तो वही आप लोगों को एक साल बाद देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से आप लोगों को एक चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग PPR में बैठो, PPR में अगर ना हो उसके बाद SSC में अप्लाई करो, ऐसा नहीं हो सकता। एट ए टाइम आप लोग एक ही कर पाओगे, ये एज पर प्रीवियस ईयर एलिजिबिलिटी 2018-2019 जो नॉर्मल सिचुएशन चल रहा था उसके एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करके बता रहा हूँ। तो इस साल चेंजेस भी हो सकता है, अगर चेंज हो जाता है, अगर ऐसा होता है कि दोनों ही आप लोग दे सकते हो तो झिंगलाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों में बैठ सकते हो। बट अगर ऐसा होता है कि आप दोनों में से एक में बैठ जाओ तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन में आप लोगों को बोल देता हूँ, अगर आप लोग 200% श्योर हो कि जिस सब्जेक्ट में मेरा बैकलॉग आया है वो सब्जेक्ट मेरा अच्छा गया था, उससे मेरा बैकलॉग नहीं आना चाहिए था, तो उस केस में आप लोग PPR के लिए अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग का एक बैकलॉग हट जाए। और अगर आप लोग थोड़ा बहुत लगता है कि नहीं मेरा तो पेपर अच्छा नहीं गया था, मेरा शायद D या C आ सकता था बट उस केस में मुझे बैकलॉग मिल गया है, तो उस केस में आप लोग SSC के लिए अप्लाई करो। जब आप लोग 100% श्योर हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो कि मेरा पेपर तो अच्छा गया फिर भी मुझे बैकलॉग मिला है, तो उस केस में आप लोग PPR करो। और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया था तो उस केस में आप लोग SSC के लिए अप्लाई करो, सबसे बेस्ट होगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग SSC के लिए अप्लाई करो, सबसे बेस्ट होगा। और बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग जरूर PPR में बैठो, ठीक है। और अगर F होता है, बैकलॉग होता है, तो जरूर बैठो, 100% बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। सो यही मैं आप लोग बोलना चाहता था। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा है, तो आप लोग प्लीज जाके SSC वाला वीडियो एंड PPR वाला वीडियो, दोनों वीडियो जाके देख लेना, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।